हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सम्मोल और मेरे पास आज है रेडमी का 8A मॉडल। तो कैसे आज इसको डिसअसेंबली करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगा है, इसका सी टाइप पोर्ट कैसा है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, मैं इसको ऑलरेडी खोल चुका हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। पहले आपको इस सिम ट्रे को निकालना है पहले, ठीक है। सिम ट्रे को निकालने के बाद आपको यूज़ करना है ये ओपनर। ये ओपनर से आपको इस साइड में गैप को क्रिएट करना है यहाँ से, और ये जो पीछे का कवर है इसको आपको निकाल लेना है। इसमें आपका तो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो आप इसको आराम से निकाल लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये उसका पीछे का कवर, इसमें लगा है एंटीना पॉइंट। चलिए, इसके बाद पहले ऊपर वाला की तरफ चलते हैं। ऊपर साइड में आपको क्या करना है, जितना भी स्क्रू है सारे स्क्रू को आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कवर को आराम से आप निकाल लीजिए। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी पॉइंट जो है इसको पहले करना है डिसकनेक्ट। उसके बाद नीचे वाला साइड जो जाता है यहाँ पर रिंगर को, ये जो फ्लेक्स, इसको कर लेना है डिसकनेक्ट। उसके बाद ये है आपका LCD का फ्लेक्स, ये वाला, इसको कर लेना है डिसकनेक्ट, ओके। और यहाँ से आपको ये जो मदरबोर्ड है आपको इसको आराम से निकाल लेना है। ये आपका मदरबोर्ड जो है ये आपका निकल गया, लेकिन यहाँ पर आंटना पॉइंट है, इसको ये वाला वायर को भी आप निकाल लीजिए। चलिए, मदरबोर्ड निकलने के बाद ये जो नीचे का पॉइंट है आपका रिंगर, और ये जो CC बोर्ड का जो जहाँ पर लगता है यहाँ पर, इसको भी आपको निकाल लेना है। ये आपका है रिंगर, और यहाँ पर ये जो फ्लेक्स यहाँ पर CC बोर्ड में कनेक्ट है, इसको भी आपको निकाल लेना है यहाँ से। अभी CC बोर्ड को निकालते हैं, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले यहाँ पर CC बोर्ड को मैं निकाल लेता हूँ। तो CC बोर्ड के ऊपर जो यहाँ पर जो रबर दिया हुआ है, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। चलिए, पहले आप CC बोर्ड देखिए कैसा है बोर्ड, ठीक है। ये आपका CC बोर्ड, इसमें आपका लगा है सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर। यहाँ पर आपका माइक, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी आराम से चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा थिनर लगाकर यहाँ पर सुई से इसको निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बोर्ड में और क्या क्या लगा है। देखिए, यहाँ पर आपका लगा है वाइब्रेटर, जो कि सोल्डिंग नहीं है, यहाँ पर कनेक्ट टॉर्च होता है। और आपका वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कहीं कार्बन हो गया होगा इसलिए आपका ये काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये आपका है बैटरी, यहाँ पर आपका गया है ये है LCD का फ्लेक्स, यहाँ पर गया है ये, यहाँ पर LCD का फ्लेक्स गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका साइड वाला जो पावर की, यहाँ पर पावर की वॉल्यूम प्लस माइनस यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर भी आपका पानी लगकर ऐसे कार्बन हो गया होगा तो आपका भी ये काम नहीं करेगा, तो आप वो भी इसको भी चेक कर लेना है। और यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है, इसका जो स्पीकर है वो टाइप देखिए कैसा स्पीकर लगा हुआ है, ये उसका स्पीकर, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है बोर्ड में देखने के लिए। चलिए, इसको भी साइड पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो उसका ऊपर वाला कवर हो गया। चलिए, अभी हम बात करते हैं, ये वो हो गया उसका फ्लेक्स। अभी हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। तो देखिए मदरबोर्ड को अच्छे से, और कहीं आपका कोई कंपोनेंट की ज़रूरत आए तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ है आपका LCD कनेक्टर, तो थोड़ा थोड़ा LCD कनेक्टर अच्छे से देख लीजिए। और ये उसका पीछे का साइड, और
ये जो सेट में एक प्लस प्लस पॉइंट ये दिया हुआ है, ये वाला कवर को आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर सीपीयू लगा है, क्वालकॉम का सीपीयू है। और यहाँ पर भी एक कवर है, इसको भी हम निकालते हैं अभी। ये उसका मदरबोर्ड, और ये है आपका बैक कैमरा जो कि यहाँ पर कनेक्ट है, और ये आपका है फ्रंट कैमरा जो कि आपका यहाँ पर कनेक्ट है। ओके दोस्तों, और ये आपका है रिंगर, और आपका यहाँ पर भी कार्बन हो गया होगा तो रिंगर आपका काम नहीं करेगा, तो आपको भी इसको चेक करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, और कुछ नहीं इसमें दिखाने के लिए आपको। थैंक यू।